नमस्कार, आज हम बनाएंगे ऑथेंटिक इटालियन पेस्टो सॉस। इसे आप पिज्ज़ा, पास्ता और सैंडविचेस बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर डिप या चटनी की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकती है। ये आप बस इंग्रेडिएंट्स ध्यान से सुनिएगा, बाकी पेस्टो बनाना तो बच्चों का खेल है। तो पेस्टो के इंग्रेडिएंट्स हैं 2 कटोरी भर के इटालियन बेजिल, या फिर आप कह सकते हैं इटालियन तुलसी मैया। वैसे मैया तो हमारी इंडियन तुलसी मैया ही हैं, तो आप इन्हें तुलसी मौसी भी कह सकते हैं। इटालियन बेजिल या इटालियन तुलसी की खुशबू बहुत अच्छी होती है, और टेस्ट का तो मतलब मैं बयान ही नहीं कर सकता, बहुत टेस्टी होती है। इटालियन बेजिल अब आराम से मार्केट में मिलती है, और आप चाहें तो मेरी तरह आप इसे घर पर भी उगा सकते हैं। 4 मोटी वाली गार्लिक क्लोव, इन्हें मैंने चॉप कर लिया है। पार्मेजान चीज़ 50 ग्राम। अगर आपके पास पार्मेजान ना हो तो आप प्रोसेस चीज ले लें, उसे फ्रीज कर लें, और फ्रीज करने के बाद ग्रेट कर लें, और सॉस जब बन जाए तो सर्व करने से जस्ट पहले उस ग्रेटेड चीज को आप ऐड कर दें सॉस में। पाइन नट्स या चिलगोजे लगभग 1/4 कटोरी। अगर चिलगोजे ना हो तो आप अखरोट भी यूज कर सकते हैं, या फिर बादाम को पूरी रात के लिए भिगो दीजिए, सुबह उठ के उसका छिलका उतार लीजिए, और छिलका उतरा हुआ बादाम जो है उसे भी आप यूज कर सकते हैं। 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच काली मिर्च के दाने, आप चाहें तो पाउडर भी यूज कर सकते हैं। कम या ज्यादा करना आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं। गार्निशिंग के लिए 1 ब्लैक ऑलिव और इटालियन तुलसी मैया के कुछ पत्ते, और हाँ, 1/2 कटोरी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ना हो तो आप कोई भी ऑलिव ऑयल यूज कर लीजिए, और लेट से आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप सनफ्लावर ऑयल भी यूज कर सकते हैं। इन सब इंग्रेडिएंट्स और उनके सब्स्टिट्यूट्स की लिस्ट मैंने वीडियो के एंड में दे दी है, वो ज़रूर देखें। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक ग्राइंडर में डाल लें और अच्छी तरह से पीस लें। देखिए, जो ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं उनके साथ बनाई हुई रेसिपी सबसे अच्छी निकल के आएगी, पर इनमें से बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो हर आदमी के पास नहीं होते, तो उनके सब्स्टिट्यूट्स भी मैंने बताए हैं। सब्स्टिट्यूट्स के साथ आप अगर बनाएंगे तो ओरिजिनल का लगभग 80% फ्लेवर तो आपका आ ही जाएगा। ये देखिए, ये शाइनी कितनी सुंदर लग रही है, ये पेस्टो हमारी तैयार हो गई है, और खुशबू के तो क्या कहने हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसे गार्निश कर दीजिए, और इटालियन तुलसी मौसी का धन्यवाद करिए कि उनके माध्यम से हमें इतनी टेस्टी चटनी की रेसिपी मिली। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।